हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चौराहे पर पुतला दहन। कश्मीर में हिंदुओं की बर्बर हत्याओं के विरुद्ध बजरंग दल ने प्रदर्शन कर किया पुतला दहन। कश्मीर में हिंदुओं की बर्बर हत्याओं के विरुद्ध बजरंग दल ने प्रदर्शन कर किया पुतला दहन। कश्मीर घाटी में गत 5 दिनों में 7 भारतीयों की मर्मर हत्याओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन करके हनुमान चौराहे पर आतंकवादी पाकिस्तान का पुतला दहन किया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं का पुनर्वास ही आतंकवाद का सफाया कर सकता है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कश्मीर घाटी में गत 5 दिनों में 7 भारतीयों की नेशंस हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह आतंकवाद पर नकेल कसने हेतु पाकिस्तान को करारा सबक सिखाएं तथा हिंदुओं के पुनर्वास व घाटी में उनकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज के पुनर्वास के बिना आतंकवाद पर लगाम लगाना मुश्किल है। हिंदुओं की लगातार चुन चुन कर हो रही निशंस हत्याओं से आहत विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन कर आतंकी पाकिस्तान का पुतला दहन किया। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू समाज है उसके ऊपर अत्याचार किए जा रहा है, निशंस हत्या हुई है 7 लोगों की। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने निर्णय लिया है कि देश के अंदर जो भी आतंकवादी आतंक करेगा उसके साथ एक एक बजरंग दल का कार्यकर्ता खड़ा होगा। और पूरे देश में हिंदुओं के संग कहीं भी कोई गलत क्रिया होती है या किसी की हत्या की जाती है उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के साथ खड़ा है। इस उपलक्ष में आज आतंकवाद का पुतला जा रहा है, पुतला और प्रदर्शन किया। क्या नाम है? सुरेश शर्मा। तो आज